गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं योग माया मिश्रा झांसी से, माउंट लिटरा स्कूल झांसी से, आज आपको मन के भोले भाले बादल कविता पाठ एक कक्षा चार के, जो हम लोगों ने पार्ट वन में भावार्थ समझा था, और ये पार्ट वन टू में हम लोग इसकी एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास कार्य को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। एक बार पुनः मैं आपको ये कठिन शब्दों से अवगत करा दूं। पहला है झबर झबर, पहला कठिन शब्द है झबर झबर। दूसरा कठिन शब्द है तोंद। तीसरा है शैतानी। चौथा टकराते, कुबड़, मतवाले, तूफानी और जिद्दी। झबर झबर कहते हैं बच्चों घने को। झबर झबर का अर्थ यहाँ पर घने बालों वाला। तोंद मतलब मोटे पेट वाला। शैतानी माने शरारत करना। टकराते माने आपस में टकराना, एक दूसरे से भिड़ जाना। कुबड़ कहते हैं पीठ को। मतवाले माने मस्ती से भरे हुए। तूफानी माने तूफान लाने वाले। और जिद्दी कहते हैं जो ना जाए, जो जिद्दी स्वभाव का हो, तो वो जिद्दी। ये देखिए, अब हम लोग इसके इसमें कौन से प्रश्न उत्तर बनेंगे ये देखते हैं। प्रश्न वन, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं। प्रश्न नंबर एक है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं। इसका उत्तर होगा, बादल जिद्दी हो जाने पर नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसका उत्तर है, साल के सावन भादों महीने में ज़्यादा बादल छाते हैं। जो सावन भादों का महीना होता है स्पेशली, वो उसमें अधिकांश बादल छाए रहते हैं और बराबर वर्षा होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया इसके कठिन शब्द, और ये दो इसमें बन रहे हैं क्वेश्चन उत्तर, क्वेश्चन और आंसर प्रश्नोत्तर दो बन रहे हैं। अब आप लोग अपनी किताब में जो एक्सरसाइज दी गई है, तुम्हारी समझ में थोड़ा सा उसकी व्याख्या को हम लोग समझेंगे। देखिए, आपकी जैसे ही ये कविता ख़त्म होती है, ये एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें दिया हुआ है तुम्हारी समझ में, इसमें क्या करना है आपको, मैं पढ़ रही हूँ और फिर उसको समझाती हूँ। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, इसमें क्या समझाना है इसको बच्चों, ये आपका होमवर्क है। इसमें आपको अपनी भाषा में जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ या जो व्याख्या कर रही हूँ, उसको आप लोग अपने शब्दों में बच्चों कॉपी में लिखेंगे। यही आपका इस पाठ का होमवर्क होगा। तो मतलब कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, अर्थात ये जो बादल है इतने जिद्दी हो जाते हैं, जाते ही नहीं है, लगातार छाए रहते हैं आसमान में, और लगातार जब बादल छाए रहेंगे तो क्या होगा, निरंतर वर्षा होती रहती है, बराबर पानी बरसता रहता है, और जब पानी बरसता रहता है तो नदी नालों में तालाबों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे, जब बादल जिद्दी हो जाते हैं तो बादल नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। इसमें हम क्या भाव लिखेंगे कि बादल किसी की नहीं सुनते हैं, वो अपनी मनमानी करते रहते हैं, और ऐसा जब वो गरजते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है मानो आसमान में ढोलक ढोल नगाड़ों की ध्वनि सुनाई दे रही हो। इसमें खा नंबर पर है, बादल कैसे ढोल कैसे बजाते होंगे, तो बादल ऐसे गरजते हैं जैसे कि आपस में ढोल नगाड़े बज रहे हों। कुछ तो लगते तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी। कुछ तो ऐसे लगते हैं कि बहुत तूफानी वर्षा, बहुत गरज चमक के साथ बारिश कराएंगे, और कुछ कैसे लगते हैं जो सिर्फ मानो बच्चों की तरह शैतानी कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं। बादल कैसी शैतानियां करते होंगे, बादल छोटे बच्चों के रूप में इधर उधर आने की, कि कभी आ गए, कभी छिप गए, कभी थोड़ी सी वर्षा करा दी, इस प्रकार की शैतानियां करते होंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई, जिसमें कि आपकी किताब की एक्सरसाइज, ये आपकी कॉपी में आपको कठिन शब्द लिखने हैं और दो प्रश्न करने हैं, और जो तुम्हारी समझ में है ये आपका बच्चों होमवर्क है, जिसको आप लोग अपने शब्दों में लिखेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।